हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान दीजिएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दोज ऑफ द नंबर्स इन क्वेश्चन 2 व्हिच आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स टू मेक देम परफेक्ट क्यूब्स। व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग क्यूब रूट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्वेश्चन 2 में आपने सॉल्व किया था, तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ ऐसे नंबर्स थे जो परफेक्ट क्यूब नहीं थे। उनको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें कौन से स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होगा उसमें से कि वह परफेक्ट क्यूब बन जाए। और जब परफेक्ट क्यूब बन जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद वह स्मॉलेस्ट नंबर, तब उसका परफेक्ट, उसका जो क्यूब है, क्यूब रूट्स है, वो फाइंड कर लीजिए। तो जैसे कि फर्स्ट हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, ओके, 130 का। तो 130 में से 1 माइनस किया, 7 माइनस किया, ऐसे करके किया, तो लास्ट में क्या मिला, 5 मिला। तो ये जो 5 मिला है, यदि 5 नहीं आता, यदि 0 आ जाता, तो हम कहते कि 130 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। लेकिन यहाँ पर 5 आया था, नॉट इक्वल टू 0, सो 130 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ऐसा लिखे थे। लेकिन अब इसे यदि बनाना है हमें परफेक्ट क्यूब, तो इस 5 को हटाना पड़ेगा। और इस 5 को हटाने के लिए हमें इसी 5 को माइनस कर देना होगा 130 में से। तो दिस इज़ द 5, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर जो यहाँ पूछा हुआ है, ठीक है। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 130 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टू मेक 130 अ परफेक्ट क्यूब, वी मस्ट सब्ट्रैक्ट फाइव फ्रॉम 130। तो क्या मिल जाएगा, वी गेट मिलेगा हमें 130 माइनस 5 इज इक्वल टू 125। और देखिए 125 डेफिनेटली एक परफेक्ट क्यूब है, ओके। तो इसका निकाल लेते हैं परफेक्ट क्यूब, क्योंकि हमें निकालना भी है व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग क्यूब रूट्स। तो यहाँ पे क्यूब रूट निकाल लेते हैं। सो क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्टेप्स किए थे, अब देखिए कितने स्टेप्स में किए थे आप। तो 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप में 0 आ जाता यदि यहाँ पर 125 होता। तो आप डेफिनेटली 125 पर यदि सॉल्व करेंगे इस तरीके से, माइनस कर जाएंगे 1 7 19 37 61 91, ठीक है, तो आपको जो है लास्ट में मिल जाएगा 0। तो ये 5 स्टेप में 0 आ जाएगा, देयरफॉर जितने स्टेप में आया वही आपका क्यूब रूट है 125 का, ओके। आप समझ गए होंगे कैसे करना है। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड आपका है 345। देखिए इसमें से भी हमने किया था और लास्ट में आया था 2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 था, इसमें हमने लिखा था कि 345 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नाउ इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, कहाँ से, 345 में से। यदि हम माइनस करते हैं 345 में से यदि 2, तो मिल जाएगा हमें 343। और 343 जो है डेफिनेटली एक परफेक्ट क्यूब है, जो कि 7 का है। कैसे पता कि 7 का है परफेक्ट क्यूब, सॉरी क्यूब रूट। तो यहाँ पर देखते हैं हम 343 का यदि क्यूब निकालते हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स में भी डेफिनेटली आ जाएगा। तो इसलिए 7 इज द क्यूब रूट ऑफ 343। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, 792 हमने किया था सॉल्व करते करते, लास्ट में आया था क्या, 63 आया था, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, और इसलिए हमने लिखा था कि 792 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। लेकिन अब हम क्या करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए इसमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो 63 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 792 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। इट मीन्स यदि हम 792 में से माइनस करते हैं 63, तो मिलेगा हमें 729, एंड 729 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 9। जैसे कि हम चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स में 0 आ जाएगा यदि हम 729 यहाँ पर लेकर के, और ये सारा प्रोसेस जो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करें, तो बिल्कुल ही एंड में जो है ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 729 लेंगे तो इसमें से माइनस क्या किया हमने, 63 इज़ योर आंसर। एंड आल्सो यदि हम क्यूब रूट निकालेंगे और 729 का, तो आएगा 9, क्योंकि 9 टाइम्स में 0 आ जाएगा यहाँ पर, 1 2 3 4 है ना, काउंट कर लीजिएगा,
जितने स्टेप्स होते हैं उसी में आता है, तो 9 हो गया आपका आंसर ये सेकेंड, मतलब कि इच पार्ट का दो दो आंसर मिलेंगे। ओके तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर लिया हमने, फोर्थ वाले में क्या करना है, फोर्थ वाला तो बिल्कुल परफेक्ट क्यूब है तो इसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि बोला है कि जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसमें क्या सबट्रैक्ट करें, तो इसमें से कुछ सबट्रैक्ट करना नहीं है। हाँ जीरो कर सकते हैं, जीरो करेंगे तो वही नंबर आएगी तो कोई फ़ायदा है नहीं, सो इतना ही रखते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, यदि अच्छा लगा आपको सोल्यूशन तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन जा सकती है आपके मोबाइल पर और आप देख सकते हैं कि क्या चैनल में हो रहा है और क्या हमें चाहिए। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से एक्सरसाइज का आपको वीडियो चाहिए। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।